Hey सबसे पहले तो जो लोग रिसेंटली एग्जाम देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए एग्जाम बहुत है प्लीज पैनिक ना करें इज द राइट काइंड ऑफ प्रिपरेशन हेल्प्स यू क्लियर द एग्जाम पैनिक करने से कुछ नहीं होगा द नंबर वन टिप फॉर द डे इज मेक श्योर दैट यूर रीडिंग न्यूज पेपर न्यूज पेपर पढ़ते रहें न्यूज पेपर आपको ना सिर्फ आपके राइटिंग के अंदर हेल्प करने वाला है बल्कि रीडिंग में भी हेल्प करेगा और स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो यू आर रीडिंग अ बिग टेक्स्ट, राइट और जब आप आज एग्जाम देने जाते हैं तो रीडिंग में भी आपको जो पैराग्राफ्स आते हैं दे आर सॉर्ट ऑफ बिग टेक्स्ट राइट जब आप यूज पे पढ़ते हैं तो जब आप पहली लाइन पढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ये भी देख रहा होता है कि पांच लाइनों के नीचे कौन सा वर्ड है या क्या लिखा हुआ है सो दिस हेल्प्स यू रीडिंग जिसको हम स्कैनिंग टेक्निक भी कहते हैं खैर इसके बारे में ज्यादा बात मैं रीडिंग वाली वीडियो के अंदर करूंगा स्पीकिंग जब आप कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आप उस कंटेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्यू कार्ड आ गया है तो जो आप पढ़ रहे हैं डेली आप वो डेटा यूज कर सकते हैं वहां पे अगर एग्जामिनर आपसे कोई वन टू वन क्वेश्चनिंग कर रहा है उसके रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने कंटेंट न्यूज में पढ़ा हो तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी क्यू कार्ड के ऊपर ही होने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ से लाइक पंद्रह ऐसे क्यू कार्ड जो हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होते ही रहते हैं चाहे वो जैन से लेके अप्रैल के क्वार्टर में रिपीट हो मे से लेके आपके से लाइक दिस अगस्त तक वाले क्वार्टर में रिपीट हो या like से लाइक सितंबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में रिपीट हो बट यू विल फाइंड दिस क्यू कार्ड्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन आप गूगल से चेक कर सकते हैं राइट सो आई कंपाइल दिस फिफ्टीन स्पेसिफिक क्यूब कार्ड्स क्यू कार्ड ने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान देख ही होंगे अगर आप इंस्टीट्यूट के प्रिपेयर हैं तो आपसे like like, है तीन साल से ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर देखे ही जाता है सो so, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऐसे ही पंद्रह क्यू कार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ नाउ आर नो दैट यू विल गेट कार्ड फ्रॉम दिस वीडियो बट वॉट इफ यू मे गेट लाइक मैंने आपको पहले ही बताया कि क्यू कार्ड रिपीट हो रहे हैं सो so, let's not waste time and i'll discuss those 15 Q cards but before that like i say in my every video if any one of you is facing any kind of problem in the al's examination in any form or in any of the four modules like writing speaking listening speaking please feel free to write me down in the comment section of my any video i'll get back to you you can also email me your problem i'll be sharing my email address towards the end of this video so

Describe a practical skill you learned. You should say what this skill was, when you learned it, how you learned it. Explain why you think it was important. तो उसके अंदर आपको किसी भी ऐसी प्रैक्टिकल स्किल के बारे में बताना है जो आपने सीखी है आपको बताना है कि वो आपने कब सीखी क्यों सीखी और वो स्किल क्या चीज थी और आपको क्यों लगता है कि वो स्किल जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट क्यू कार्ड नेक्स्ट क्यू कार्ड है हमारा अ विजिट यू मेड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये बहुत बार क्वेश्चन आता है टॉक अबाउट अ विजिट यू मेड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टॉक अबाउट अ जर्नी यू मेड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टॉक अबाउट अ टाइम जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया तो इसमें आपको जिन सवालों का जवाब देना है वेन एंड वेयर डिड यू गो वट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज हाउ वॉज योर ट्रिप तो इसमें आप किसी भी ट्रिप के बारे में बता सकते हैं कि जहां पे आपने कोई बस यूज की है या ट्रेन के ट्रेन से आपने ट्रैवल किया है राइट नेक्स्ट क्यू कार्ड है। डिस्क्राइब अ सिटी टाउन यू विजिटेड दैट यू लाइक आपको किसी भी ऐसे सिटी या टाउन के बारे में बताना है जो आपने विजिट किया और वो आपको बहुत पसंद आया हो यू शुड से व्हाट इज द नेम वो सिटी या टाउन कौन सी है कहाँ है यू विजिटेड आपने कब विजिट किया उसको और आपको वो क्यों पसंद आई प्लस वट आर दट्रेक्टिव प्लेसेज ऑफ दिटी उस सिटी में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे कोई अगर जाता है तो उसको जरूर विजिट करना चाहिए you know बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बात कीजिए जिसको आप जानते हैं जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं राइट यू कैन टॉक वर्ट योर अंकल योर ग्रैंड पेरेंट्स योर टीचर्स इनफैक्ट इस क्वेश्चन में आपको जिन बातों का जवाब देना वो है हुआ कौन है हाउ डू नो दिस पर्सन आप उस व्यक्ति को कैसे जानते हैं वॉट ही और शी इज लाइक कि वो व्यक्ति कैसा है एंड एक्सप्लेन वाई यू रेस्पेक्ट और हाव आपको ये भी बताना है कि आप उस व्यक्ति की इतनी इज्जत क्यों करते हैं? हो कि वाई डू यू रेस्पेक्ट हिमोर हाव नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ स्पोर्ट यू वुड लाइक टू लर्न इन नियर फ्यूचर ना ये जो क्वेश्चन है स्पोर्ट वाला ये बहुत बार आता है कि आप किसी भी ऐसे स्पोर्ट के बारे में बताइए जो आप नियर फ्यूचर में uh, सीखना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी के बारे में बताइए जो आप नियर फ्यूचर में करना चाहते हो तो सो इट मोर लाइक द सेम काट इज इट वे यू विल डू इट वे दी और डिफिकल्ट वाई वुड यू लाइक टू लर्न इट इसमें आपको ये बताना है कि वो जो स्पोर्ट आप सीखना चाहते हैं वो कौन सा है वे विल यू डू इट आप उसे कहाँ करोगे वो ईजी है या डिफिकल्ट है या फिर और जो सॉरी टो लास्ट है वो है आप उसे क्यों सीखना चाहते हैं अब लाइक like, कुछ लोग बहुत सिंपल स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं से लाइक यू कैन टॉक अबाउट फुटबॉल ठीक है वही कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी बात कर सकते हैं बस मेक श्योर क्यों वेन यू टॉक अबाउट एडवेंचर स्पोर्ट तो आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग लेवल का हो जाएगा एट विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर सो हमें ट्राई करना चाहिए हम ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो कि जनरल नेचर की हो नेक्स्ट डिस्क्राइब अ फॉरिन कंट्री कल्चर यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट किसी भी ऐसी फॉरिन कंट्री या कल्चर के बारे में बताइए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब एन इंटेलिजेंट पर्सन यू नो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है डिस्क्राइब एन इंटेलिजेंट पर्सन यू नो इस क्वेश्चन में आपको बताना है हु दिस पर्सन इज के वो व्यक्ति कौन है हाउ डू you नो दिस पर्सन के आप उस व्यक्ति को कैसे जानते हैं वॉट दिस पर्सन डज वो इंसान जिसके अंदर बात कर रहे हैं वो क्या करता है या करती है वाई डू यू थिंक इंटेलिजेंट और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो व्यक्ति जिसके हम बात कर रहे हैं वो इंटेलिजेंट है तो इसके अंदर आप बात कर सकते हैं अपने किसी सीनियर के बारे में कोई सिबलिंग हो गया भाई बहन या फिर आप अपने टीचर के, के बारे में बात कर सकते हैं किसी नेबर के बारे में बात कर सकते हैं किसी डिस्टेंट रिलेटिव के बारे में बात कर सकते हैं प्लस आपको ये बताना है कि वो इंटेलिजेंट क्यों है तो आप बता सकते हो लाइक उनका करियर बहुत अच्छा है ही, ही, ही और शी हैज गॉट अ डिस्टिंक्ट करियर

इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी ऐसे इंसान के बारे में बताना है जिससे आप रिसेंटली मिले हैं राइट right? तो उसके बारे में बताइए कि वो इंसान कौन है हाउ यू मेट दिस पर्सन आप उस पर्सन को कैसे जानते हैं वाई यू फाइंड हिम इंटरेस्टिंग आपको क्यों लगता है कि वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट लॉ इन योर कंट्री अपने एक ऐसे लॉ के बारे में बताइए जो आपकी कंट्री में बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है यू शुड से लॉ के लॉ क्या है हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस लॉ आपको लॉ के बारे में कैसे पता चला होम डज इट अफेक्ट वो जो लॉ है वो किसको अफेक्ट करता है नेक्स्ट वाई इज इट इंपॉर्टेंट लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है सो दे आर सो मेनी लॉज इन अवर कंट्री यू कैन टॉक अबाउट लाइक द बेसिक वन वुड बी अ ट्रैफिक लॉ राइट की वेन यू ड्राइविंग इट्स वेरी कंपल्सरी टू वेयर हेलमेट और इट्स कंपल्सरी टू फॉलो दाइट्रेवलिंग टू कैरी द डॉक्यूमेंट सो यू कैन टॉक अब ट्रैफिक लॉ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सबके साथ रेजुनेट करता है सबको इसके बारे में पता भी है सो इट बिकम्स ईजियर नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक अबाउट अ टीवी प्रोग्राम यू फाइंड एंट्रास्टिंग किसी भी ऐसे टीवी प्रोग्राम की अगर बात कीजिए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यू शुड से वट इज द प्रोग्राम की वो जो प्रोग्राम है वो क्या है नेक्स्ट वेन एंड विद होम यू वॉच इट कि वो जो प्रोग्राम है आप किसके साथ देखते हैं और कब देखते हैं वॉट आर द कैरेक्टर्स कि उस प्रोग्राम के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है वाई यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग आपको प्रोग्राम इंटरेस्टिंग क्यों लगता है नाउ एवरी चॉइस चॉइस दिस डेज नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम बहुत लोग यूज करते हैं उस पर बहुत सारी वेब सीरीज हैं आप उसमें से किसी के बारे में बात कर सकते हैं या आप टीवी के ऊपर नॉर्मली जो चैनल्स के ऊपर टेलीकास्ट होते हैं आप उसमें से किसी प्रोग्राम के बात कर सकते हैं बट मेक श्योर की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अ टाइम वेन यू लाफ किसी एक ऐसे टाइम के बारे में बात कीजिए जब किसी ने आपको हंसाया है यू शुड से वेन वॉज इट वो कब की बात थी उन्होंने वट डिड ही उस व्यक्ति ने क्या किया जिससे आपको हंसी आई वाइट मेड यू लाफ सेम चीज है what do you think about it? और आपको उस चीज़ के बारे में हाँ सोच के कैसा लगता है so you can talk about कि जब आप किसी किसी पार्टी के अंदर थे, पे किसी ने कोई जोक क्रैक किया सो यू कैन टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ इवेंट नेक्स्ट टॉक इक्विपमेंट दैट वॉज क्वेश्चन लास्ट यू एंड आई से स्पेसिफिकली आई कोट 2019 से लेके 2020 के बीच में 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 आया काफी बार. तो बहुत कुछ आता है है. है. है, आपका. भी भी एक एक तरीके का equipment है। घर में microwave, oven use करते हैं, वो ठीक है। so, आप चाहो तो मोबाइल के अंदर बात कर सकते हो फिर आप बता सकते हो कि आपने बताया स्मार्टफोन था वट इज प्रॉब्लम प्रॉब्लम था वो गिर गया और उसकी जो स्क्रीन है वो टूट गई एंड वेन हाउ यू गॉट इट रिपेयर आपको बताना उसे कैसे रिपेयर कराया तो बता सकते हो दैट टू द सर्विस सेंटर एंड यू गॉट रिपेयर फ्रॉम दियर हाउ फेल्ट अबाउट इट इनिशियली आपको बहुत दुख हुआ जो फोन टूटा क्योंकि वो गिफ्ट था आप ऐसा बोल सकते हैं एंड जब फाइनली वो ठीक होके आ गया और सही चल रहा था सो so आपकी टेंशन खत्म हुई वो फाइनली रिलीव एंड यू वेरी हैप्पी नेक्स्ट टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन यू मेड विद ऑफ सम एक ऐसे डिसीजन के बारे में बात कीजिए ऐसे निर्णय के बारे में बात कीजिए जो आपने किसी की मदद से लिया हो ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राइट सिंस मेनी ऑफ यू विल आर अपनिंग फॉर द एकेडमिक आस मेनी ऑफ यू द पॉपुलेशन एंड यस देयर पीपल हु फॉर द जनरल सो फॉर द एकेडमिक पीपल राइट आप बात कर सकते हैं कि जो प्लस जब टेंथ क्लास के बाद आपको प्लस वन में जाना था सो यू वर वेरी कंफ्यूज कि आप आर्ट्स ले, लें कॉमर्स लें साइंस लें तो उस टाइम पे आपने किसी की हेल्प ली आपके किसी सिबलिंग की उन्होंने आपको बेटर गाइड किया कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो क्या चीज व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स उस मदद से आपने डिसीजन लिया लोग जो वो लोग लो, जो जनरल क्लियर पे कर रहे हैं यू कैन टॉक अबाउट अ जॉब ऑफर राइट लाइक यू 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 हैड अ जॉब ऑफर एंड वर वेरी कंफ्यूज दैट यू शुड टेक इट और नॉट सो यू कंसल्टेड विद अ फ्रेंड ऑफ और अ सिबलिंग ऑफ और योर पेरेंट्स हु हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना चाहिए केस के अंदर और आपको इसमें यही बताना है कि डिसीजन क्या था उन्होंने आपकी कैसे मदद की आखिर क्यू कार्ड जो आज का है टॉक अबाउट सम वन हु एनकरेजेस यू टू अचीव गोल्स

तो इस केस में आप अपने पेरेंट्स की बात कर सकते हैं कि दे ऑलवेज यू टू अचीव योर गोल्स आप अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के बारे में बात कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर सकते हैं एंड यू कैन टेल हाउ दे हेल्प यू इन अचीविंग गोल्स कि वो आपको मदद करते हैं डिसीजंस लेने में अपना रूटीन प्लान करने के अंदर ठीक है सो यू कैन टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ पीपल सो फ्रेंड्स दिस आर द फिफ्टीन क्यू कार्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट बट दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट कंसिडर एनी पर्टिकुलर डेट ऑफ एनी एग्जामिनेशन